ओम गणेशाय नमः। आज हम गोपा अष्टमी पूजा जो कि 2022 में आ रही है, इसकी पूजन विधि, कथा और इसके महत्व को सुनेंगे। उससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए और बेल बटन को भी प्लीज़ प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाला कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो सके। भारत में गाय को माता के समान माना जाता है और यहाँ माना जाता है कि सभी देवी देवता गौ माता के अंदर ही समाहित रहते हैं, तो उनकी पूजा करने से सभी का फल प्राप्त होता है। गोपाष्टमी पर्व एवं उपवास, इस दिन भगवान कृष्ण एवं गौ माता की पूजा की जाती है। हिंदू धर्म में गाय का स्थान माता के तुल्य माना गया है। पुराणों में भी इस बात की पुष्टि की गई है कि भगवान श्री कृष्ण एवं उनके भाई बलराम दोनों को ही बचपन में गोकुल में बीता है जो कि ग्वालों की नगरी थी। ग्वाल जो गाय पालक करते हैं, कृष्ण एवं बलराम को भी गाय की सेवा रक्षा आदि का प्रशिक्षण दिया गया था। गोपाष्टमी के दिन पूर्व ही इन दोनों ने गाय पालन का पूरा ज्ञान हासिल कर लिया था। गोपाष्टमी कब मनाई जाती है? यह पूजन एवं उपवास कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन होता है। इस दिन गौ माता की पूजा की जाती है। कहते हैं कि इस दिन तक श्री कृष्ण एवं बलराम ने गाय पालन की सभी शिक्षा लेकर एक अच्छे से ग्वाले बन गए थे और वर्ष 2022 में गोपाष्टमी 1 नवंबर को मनाई जाएगी। हिंदू संस्कृति में गाय का विशेष स्थान है। जैसे एक माँ का हृदय कोमल होता है, वैसे ही गाय माता का भी हृदय बहुत कोमल होता है। जैसे एक माँ अपने बच्चे को हर स्थिति में सुख देना चाहती है, वैसे ही गाय भी मनुष्य जाति को लाभ प्रदान करती है। गाय का दूध, गाय का घी, गाय के दूध की दही, छाछ, यहाँ तक कि मूत्र भी मनुष्य जाति के स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। इसे कर्तव्य माना जाता है कि गाय की सुरक्षा एवं पालन किया जाए। गोपाष्टमी हमें इसी बात का संकेत देती है कि पुरातन युग में जब श्री कृष्ण ने गौ माता की सेवा की थी तो हम तो कलयुगी मनुष्य हैं। यह त्योहार हमें बताता है कि हम सभी अपने पालन के लिए गाय पर निर्भर करते हैं, इसीलिए वो हमारे लिए पूजनीय है और सभी जीव जंतु वातावरण को संतुलित रखने के लिए उत्तरदायी हैं। इस प्रकार सभी एक दूसरे के ऋणी हैं और यह उत्सव हमें इसी बात का संदेश देता है। गोपा अष्टमी से जुड़ी हुई कुछ कथाएं जो कि प्रसिद्ध कथाएं हैं वो इस प्रकार हैं। पहली कथा है जिसमें कि जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन के छठे वर्ष में कदम रखा तब वे अपनी मैया यशोदा से जिद करने लगे कि अब वे बड़े हो गए हैं और बछड़े को चराने गैया चराने दे हैं। उनके हट के आगे मैया को हार माननी पड़ी और मैया ने उन्हें अपने पिता नंद बाबा के पास इसकी आज्ञा लेने को भेज दिया। भगवान कृष्ण ने नंद बाबा को समझाने जिद रख दी कि अब मैं गैया ही चराने। नंद बाबा ने गैया के लिए पंडित महाराज को मुहूर्त निकालने को कह दिया। पंडित बाबू ने पूरा पंचांग देख लिया और बड़े अचरज से आगे कहा कि अभी इसी समय के अलावा कोई शुभ मुहूर्त शेष नहीं है। अगले बरस तक शायद भगवान की इच्छा के आगे कोई मुहूर्त क्या था। वह दिन गोपा अष्टमी का था जब श्री कृष्ण ने गैया पालन शुरू किया। तब उस दिन माता ने अपने कान्हा को बहुत सुंदर तैयार किया, मोर मुकुट लगाया, पैरों में घुंघरू पहनाए और सुंदर सी पादुका पहना दी। लेकिन कान्हा ने तो पादुकाएं नहीं पहनी। उन्होंने मैया से कहा, अगर तुम इन सभी गैयों को चरण पादुकाएं पहनाओगी तभी मैं ये पहनूंगा। मैया ये देखकर भावुक हो जाती हैं और श्री कृष्ण बिना पैरों में कुछ पहने अपनी गैया का चारण करने के लिए ले जाते हैं। इस प्रकार कार्तिक शुक्ल पक्ष के दिन से गोपा अष्टमी मनाई जाती है। भगवान श्री कृष्ण के जीवन में गौ का विशेष महत्व था। गौ सेवा के कारण ही इंद्र ने उनका नाम गोविंद रखा था। इन्होंने गाय के महत्व को सभी को सामने रखा। स्वयं भगवान ने भी गौ माता की सेवा की। दूसरी कथुआ के अनुसार कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी सबसे छोटी उंगली से गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था, जिसके बाद से उस दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। ब्रज में इंद्र का प्रकोप इस तरह से बरसा की लगातार बारिश होती रही, जिससे बचने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने 7 दिन तक पर्वत को अपनी उंगली पर उठाए रखा था। गोपाष्टमी के दिन ही भगवान इंद्र ने अपनी हार स्वीकार की थी, जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को नीचे रखा था। तीसरी कथा के अनुसार गोपा अष्टमी से जुड़ी एक बात यह भी है कि राधा भी गाय को चराने के लिए वन में जाना चाहती थी, लेकिन लड़की होने की वजह से उन्होंने इस बात को कभी भी नहीं कहा। जिसके बाद राधा को एक तरकीब सूझी, उन्होंने ग्वाले जैसे कपड़े पहने और वन में श्री कृष्ण के साथ गाय चराने लगी। श्री कृष्ण भगवान के हर मंदिर में इस दिन विशेष आयोजन होता है। वृंदावन मथुरा नाथ द्वारा में कई दिनों तक इसकी तैयारी होती है। नाथ द्वारे में
100 से भी अधिक गायें और उनके ग्वाले मंदिर में जाकर पूजा करते हैं। गायों को बहुत सुंदर ढंग से सजाया जाता है। गोपा अष्टमी की पूजन विधि। इस दिन गाय की पूजा की जाती है। सुबह जल्दी उठकर स्नान करके गाय के चरण स्पर्श किए जाते हैं। गोपा अष्टमी की पूजा पूरी रीति रिवाज से पंडित जी के द्वारा कराई जाती है। सुबह ही गाय और उसके बछड़े को नहलाकर तैयार कर दिया जाता है और उनका श्रृंगार किया जाता है। पैरों में घुंघरू बांधे जाते हैं और अन्य आभूषण भी पहनाए जाते हैं। गाय माता की परिक्रमा की जाती है और सुबह गायों की परिक्रमा कर उन्हें चराने बाहर ले जाते हैं। इस दिन ग्वालों को भी दान दिया जाता है। कई लोग नए कपड़े देकर तिलक लगाते हैं। शाम को जब गायें घर लौटती है तो फिर उनकी पूजा की जाती है। उन्हें अच्छा भोजन कराया जाता है। खास तौर पर इस दिन गाय को हरा चारा खिलाया जाता है। जिसके घरों में गाय नहीं होती है वे लोग गौशाला जाकर गाय की पूजा करते हैं। उन्हें गंगा जल फूल चढ़ाते हैं, दिया जलाकर गुड़ खिलाते हैं। औरतें कृष्ण जी की भी पूजा करती हैं, गाय को तिलक करती हैं और इस दिन भजन किए जाते हैं। कृष्ण पूजा भी की जाती है। गाय को हरा मटर एवं गुड़ खिलाया जाता है। कुछ लोग गौशाला में खाना और अन्य सामान का दान भी करते हैं। इस दिन गौ माता का हिंदू संस्कृति में बहुत ही महत्व है। पुराणों में गाय के पूजन, उनकी रक्षा पालन पोषण को मनुष्य का कर्तव्य माना गया है और हम सभी को गौ माता की सेवा अवश्य ही करनी चाहिए, क्योंकि वह भी तो हमें एक माँ की तरह ही हमारा पालन करती है। बोलो द्वारिकाधीश की जय, गौ माता की जय।